हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, then notice me, got senpai, feeling ultra instinct, Nico so cool, white boy, dream zero, two hips, do not like, oh, high move that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it tickling and rock them hips, make a wife wanna mix with a vibe so crazy. तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्कूल की ट्रिप जारी होती है, जिसमें परमेंस को भी इनवाइट किया होता है, जिसके कारण मिचिको और पाको दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों ही परमैन के साथ टाइम स्पेंड करने का एक प्लान बनाते हैं। तो देखते हैं कि कौन परमैन के साथ टाइम स्पेंड करता है और कौन नहीं। तो चलो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और आज वह दिन रहता है जिस दिन सारे बच्चे और परमैन स्कूल ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मिसो है, मतलब अपना परमैन, वो उठ जाता है और नहाने को चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी पाको, मतलब हमारी मिसो मेरे भी उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आज वह परमैन के साथ स्कूल ट्रिप पर जारी होती है इसी कारण। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिसो फुल ब्रेकफास्ट करके ट्रिप के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट को भी एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पे मिसो मेरी भी तैयार हो जाती है ट्रिप के लिए। तो हम देखते हैं कि जो मिसो मेरी की रोबोट होती है वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ट्रिप पर आना है। तो जो अपनी पाको रहती है वो परमैन, जो सुमेरी की रोबोट होती है, उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम भी आ सकती हो पर तुम्हें पहले टीचर से बात करनी होगी। तो जो हमारी जो रोबोट रहती है सुमेरी की, वो टीचर को फ़ोन लगाती है और उनसे बात करती है कि सर क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्कूल ट्रिप पर आ सकती हूँ क्या। जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं सुमेरे, आप भी हमारे साथ आ सकती हो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप हमारे साथ ट्रिप पर आओगी। और ये बात सुन के जो मिस सुमेरी की रोबोट रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अब हमारे ट्रिप में मिस सुमेरी भी आ रही होती है। तो हम देखते हैं कि सारे लोग बस स्टॉप पर पहुँच जाते हैं और कुछ ही देर में सारे परमैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं बस पाको को छोड़ के। तो सारे बच्चे और परमैन पाको का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में पाको वहाँ पर पहुँच जाती है। और हम देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है, जिसके कारण परमैन बस पाको को ही देख रहा होता है, जिसके कारण मिचिको वहाँ पर जल रही होती है। तो जो हमारी पाको रहती है वो परमैन से पूछती है कि परमैन क्या हुआ परमैन। तो जो अपना परमैन रहता है वो बोलता है कि कुछ नहीं पाको कुछ नहीं। तो हम देखते हैं कि कुछ देर में वहाँ पर बस स्टॉप पर बस भी आ जाती है। तो जो हमारे टीचर रहते हैं वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी से चढ़ो बस पे। तो हम देखते हैं कि सारे बच्चे जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं और परमैन भी बस पे चढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी मिचिको रहती है वो बस में खुद के लिए और परमैन के लिए जगह पकड़ लेती है, पर उस जगह पर कबा आके बैठ जाता है, जिसके कारण परमैन पाको के यहाँ जाके बैठ जाता है, जिसके कारण जो मिचिको रहती है वो कबा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। पर जो हमारा मिसो का रोबोट है उसके साथ कोई भी बैठा नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बस चालू हो जाती है और चल पड़ती है ट्रिप जहाँ पर हो रही उस जगह पर। तो हम देखते हैं कि बस कुछ ही दूर जाने पर रुक जाती है। तो जो सारे बच्चे रहते हैं वो सर से पूछते हैं कि सर बस क्यों वहाँ पर रुकी है। तो जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि बच्चों तुम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तो सारे बच्चे टीचर से पूछते हैं कि क्या है सर सरप्राइज़ हमारे लिए। तभी हम देखते हैं कि बस में मिस सुमेरे आ जाती है और मिस सुमेरे को देख के बस में एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। तो
हम देखते हैं कि जो हमारी मिस तुमीरे रहती है वो बैठने के लिए जगह ढूंढती है, और पूरी बस में बहुत से बच्चों के पास जगह खाली रहती है, पर जो हमारी मिस सुमीरे रहती है वो जाके डायरेक्ट मिस सो के साथ बैठ जाती है। और जो हमारा मिस सो है वो मिस सुमीरे को अपने साइड में देख के बहुत खतरनाक वाला शौक हो जाता है कि मिस सुमीरे आप मेरे साइड में। तो हम आगे देखते हैं कि बस चालू हो जाती है और चलने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि जो बाहर का मौसम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा साफ और सुंदर रहता है, और यहाँ पर परमैन पापू मिसो और मिसू मेरे इंजॉय कर रहे होते हैं, और वहाँ पर मिची को परमैन और पाको को देख के जल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो पाको और मिसू मेरे रहती है वो दोनों को नींद आ रही होती है, इसलिए पाको अपना सर परमैन के कंधे पर रख देती है और मिसू मेरे मिसो के कंधे पर रख कर सो जाती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहता है भाई, क्या बताओ आप लोगों को भाई। तो 2 घंटे बीत जाते हैं, अब बस माउंटेन वैली में पहुंच जाती है। तो जैसे ही बस माउंटेन वैली में पहुंच जाती है वैसे ही वहाँ का मौसम धीरे धीरे बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है, और वो बारिश धीरे धीरे तेज़ होने लग जाती है। तो जो हमारी मिस सुमीरे और पाको रहती है वो दोनों उठ जाते हैं। तो बारिश होने के कारण सामने एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा ट्रैफिक लगा होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे परमैन रहते हैं वह चले जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ से सारे पत्थर धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद वह सारे पत्थर को हटा देते हैं और वहाँ से सारा ट्रैफिक निकल जाता है। पर हम देखते हैं कि जो हमारा बस ड्राइवर रहता है वो बस को आगे लेने की जगह वो रिवर्स गियर ले लेता है, जिसके कारण बस का टायर फिसल जाता है और वो बस खाई पर गिरने लग जाती है। तभी परमानेंट पाको जल्दी से जाके बस को पकड़ लेते हैं और रोड पर ला के रख देते हैं। पर जो हमारी पाको रहती है वो रोड के एकदम कॉर्नर पर खड़ी रहती है, जिसके कारण पाको का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है। तभी जो हमारा परमैन रहता है वो जल्दी से जाके पाको को पकड़ लेता है अपनी बाहों में, और जैसे ही बिजली चमकती है वैसे ही जो पाको रहती है वो परमैन को वहीं पर हक कर लेती है। और इस सीन को देख कर जो मिचिको रहती है वो बस के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रही होती है, और जो ये सीन रहता है ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहता है भाई, क्या बताओ। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में परमैन और सारे बच्चे उस ट्रिप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट यही ख़त्म हो जाता है, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको ये पार्ट कैसे लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हम सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है इसके लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय परमैन फ्रेंड्स।